ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਪਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। साठ की दहाई है। वादिये सोन के सरसब्ज पहाड़ों में घोड़े दौड़ाते बुलंद बाला पहाड़ों को अपने घोड़े की सुमो में रोनते हुए गैर मामूली सलाहियतों के मालिक एक तिलस्माती किरदार एक बारूद तरीन शख्स का राज था, जिसका नाम मोहम्मद खान ढरनाल था। मोहम्मद खान ढरनाल जाती दुश्मनी का सताया हुआ और रियासत के अताब का शिकार हो जाने वाला पंजाब की धरती का एक गबरू जवान था, जिसने न सिर्फ अपनी जाती फौज तैयार की और इलाके का बेताज बादशाह कहलाया, बल्कि अपनी जाती अदालत भी कायम की। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि 1963 से 1966 तक वो अपनी रियासत का बेताज बादशाह था। उसकी कायम करदा अदालत में दफ़ा 302 के अलावा हर किस्म के मुकदमात पेश हुआ करते थे। इस दौरान 1964 के सदारती इंतखाबात आ गए। मोहम्मद खान की इतनी ताकत थी, उसने वादी सोन तहसील तलागंग और पिंडी घेप के तमाम बीडी मेंबर्स और चेयरमैन के वोट सदर अयूब खान को दिलवाए थे, लेकिन जल्द ही मोहम्मद खान ढरनाल को रियासत का बागी करार दे दिया गया और इंस्पेक्टर अकबर शाह के सुपुर्द ये केस किया गया। इंस्पेक्टर अकबर शाह ने यह कसम खा रखी थी कि वो मोहम्मद खान को गिरफ्तार करेगा और पुलिस मुकाबले में कभी नहीं मारेगा। जब मोहम्मद खान ने खुद को पुलिस के हवाले करना चाहा, तो उस वक्त के एसपी अब्दुल्ला उसे मारना चाहते थे, लेकिन इंस्पेक्टर अकबर शाह ने फौरन मोहम्मद खान को ऐसी जगह गोली मारी कि वो महज जख्मी हुआ, और जैसे ही मोहम्मद खान जमीन पर गिरा तो उसे गाड़ी में डाल दिया। मोहम्मद खान का इलाज रावलपिंडी में मिलिट्री की जेर निगरानी हुआ और सेहतियाबी के बाद उसको जेल मुंतकिल कर दिया गया। 12 सितंबर 1968 को मोहम्मद खान ढरनाल को 4 सजाए मौत और 149 साल कैद बमशक्कत की सजा सुनाई गई। कमोबेश 12 साल मोहम्मद खान ढरनाल ने इसी हालत में फांसी की कोठरी में मौत का इंतज़ार किया। मोहम्मद खान ने अदालत से इस्तदा की कि उसे उसके मुकदमात की तफ्तीश करने वाले डीएसपी पर जिरह करने की इजाज़त दी जाए। 2 उसकी दरख्वास्त नामंजूर हुई। बिलाखिर हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस मुश्ताक हुसैन भी शामिल थे, उस डिवीजन बेंच ने उसे डीएसपी पर जिरह करने की इजाज़त दे दी। एक आदमी जिसे 4 सजाए मौत सुनाई गई हो, उसकी हसरत को आखिरी ख्वाहिश समझकर पूरा किया जाए। मोहम्मद खान की तफ्तीशी अफसर पर की जाने वाली जरह को सुनने और देखने के लिए लोगों का मजमा अदालत में जमा हुआ, और तब लोगों ने देखा कि मोहम्मद खान दरमियाने कद का मजबूत कद काठ का हामिल शख्स था। खूबसूरत भारी भरकम चेहरा, सफेदी बमायल घनी मूछें और ज़हीन और मशहूर कर देने वाली आंखें रखता है। मोहम्मद खान नहायत इत्मीनान से तफ्तीशी डीएसपी पर जिरह करने लगा कि तफ्तीशी अफसर को उससे ज़ाती अनाद है, और जिरह में साबित कर दिया कि तफ्तीशी डीएसपी ने अदालत को सारी मनगढ़ंत कहानी सुनाई है। इस जिरह के बाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद खान को
दो बार सजाए मौत की सजा से बरी कर दिया, जबकि दो बार सजाए मौत पर करार रखी। फैसला हुआ कि उसे 8 जनवरी 1976 को तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। उसके छोटे भाई फतेह शेर ने 6 जनवरी को हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। मोहम्मद खान उस वक्त अटक जेल में था, इस मर्तबा उसके बचने के कोई इम्कानात नहीं थे। सुबह 4 बजे उसे तख्तादार पर लटकाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। फांसी देने वाले जल्लाद को भी बुला लिया गया था। मोहम्मद खान ने मामूल के मुताबिक इशा की नमाज अदा की और इत्मीनान की नींद सो गया। व्यूअर्स, खुदा की कुदरत मुलाहिजा फरमाएं कि रात 11 बजे के बाद फांसी पाने से सिर्फ 5 घंटे कबल हाई कोर्ट की जानिब से सजाए मौत पर अमल दरामत रोकने का हुक्म मिल गया। मोहम्मद खान को जगाकर इस फैसले से आगाह किया गया तो उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उठकर शुक्राने के नफिल अदा किए और फिर गहरी नींद सो गया। 6 जनवरी 1976 को उसके भाई ने हाई कोर्ट में जो अपील दायर कर दी थी वो मंजूर हो गई थी और उसकी सजा पर अमल दरामद रोक दिया गया था। उसका केस दोबारा हाई कोर्ट को रिट में सुना गया और 1978 में उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद खान 22 बरस की सजा काटने के बाद बिल आखिर 1999 में बेनजीर भुट्टो के दौर हुकूमत में सदारती ऑर्डिनेंस के तहत 60 साल से ज़ायद उम्र कैदियों की सजा की माफ़ी के तहत आज़ाद हो गया और बिलाखिर तला गंग की तारीख का ये तलस्माती किरदार 29 सितंबर 1995 को तबई मौत के बायस इस दुनिया से रुखसत हुआ। उसे उसके आबाई गांव ढोक मसाइब तहसील तला गंग जिला चकवाल में दफन किया गया। मई 1992 के दिन रिलीज होने वाली हिदायतकार कैफी की फुल एक्शन पंजाबी फिल्म मोहम्मद खान इसी मोहम्मद खान डरनाल की जिंदगी से मुतासर है। मोहम्मद खान डरनाल के किरदार में ग्रेट सुल्तान राही की गरजदार परफॉर्मेंस ने इस फुल एक्शन फिल्म को 4 चांद लगा दिए थे। फिल्म के आगाज में सुल्तान राही को वैसे ही अदालत लगाते हुए दिखाया गया। ये शुरुआत थी मोहम्मद खान डरनाल की जिंदगी के इस पहलू को पिक्चराइज करने की जिसमें वो वादी सून में ऐसे ही अदालत लगा के लोगों की फरियादें सुनता था, खुद ही वकील और खुद ही जज बनकर इंसाफ करता था। ग्रेट सुल्तान राही की इस शानदार परफॉर्मेंस ने सही मानों में पंजाब के इस तिलस्माती किरदार की जिंदगी का अहाता किया कि 60 की दहाई की वादी सून जिले खुशाब लोगों की नज़रों में ताज़ा हो गया। फिल्म मोहम्मद खान मुकम्मल तौर पर मोहम्मद खान डरनाल की ज़िंदगी की काशी नहीं करती, लेकिन मोहम्मद खान डरनाल की ज़िंदगी से मुतासर ज़रूर नज़र आती है। मिसाल के तौर पर हुमायूं कुरैशी को नवाब के किरदार में जाहिर करके सुल्तान राही को उनका दोस्त दिखाया गया, जैसा कि मोहम्मद खान डरनाल नवाब ऑफ कालाबाग का करीबी दोस्त था। फिल्म की कहानी को अगर मुकम्मल तौर पर मोहम्मद खान की जिंदगी के मुताबिक ढाला जाता तो हकीकी किरदारों पर बनी चंद मशहूर फिल्मों में एक एवरेज फिल्म सुपरहिट फिल्म का दर्जा पा सकती थी, क्योंकि फिल्म में मौजूद कास्ट ने अपने किरदारों में जान डाल रखी थी। किरदार निगारी में सुल्तान राही अपने पहले मंजरनामे से, जिसमें वो एक रसागीर के चमचों को उल्टा लटका देते हैं और उसके बाद अपनी खुद साख्ता अदालत में
एक एसपी के सामने अपनी अदालती कार्रवाई के दौरान कत्लेआम की बुनियाद रखते हैं। दहलतान राही के साथ मरकजी किरदार में नादरा थी, फिल्म में रीमा के साथ फन अदाकारी के जौहर दिखाए जहानजेब खान ने, जो इससे पहले भी रीमा के साथ फिल्म मैदान जंग में नाकाबिल फरामोश किरदार निगारी का मुजाहरा कर चुके थे। बहसीत मजबूरी जितना बड़ा ये मौजू था उतनी ये बड़ी ये फिल्म तो ना बन सकी, लेकिन ग्रेट सुल्तान राही की गिरफ्तार परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को नाकामी से बचा लिया था और फुल एक्शन पंजाबी फिल्म मोहम्मद खान पंजाब सर्किट में धूम मचाने में कामयाब हो गई।